वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग का टॉपिक है रोमन इमरस। ठीक है, तो रोमन इमरस लिखने का हमें मेथड तो पता है, बट कुछ उनके महत्वपूर्ण सिंबल जो है जिन्हें हम जान लेते हैं। तो आइए उनके कुछ सिंबल्स जान लेते हैं। द सिंबल ऑफ आई इज वन एंड द सिंबल ऑफ बी इज फाइव, द सिंबल ऑफ एक्स इज टेन, द सिंबल ऑफ एल इज 50 and the symbol of C is 100 and the symbol of D is 500 and the symbol of M is 1000। ठीक है बच्चों, तो आइए इन रोमन नंबर्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स भी होते हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं, तो आइए उनके रूल जान लेते हैं। रूल्स नंबर वन है, ए सिंबल कैन बी रिपीटेड अप टू मैक्सिमम 3 times। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी सिंबल एक है जो कि मैक्सिमम 3 times ही रिपीट हो सकता है। सपोज दैट हम लोग जब 1 लिखते हैं तो द सिंबल ऑफ आई इज 1 एंड द सिंबल ऑफ 2 इज डबल आई एंड द सिंबल ऑफ ट्रिपल आई इज 3। इस तरह से हम लिखते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ट्रिपल आई है 3 के लिए मैक्सिमम 3 times ही रिपीट हो रहा है, न कि यहाँ पर हम 4 के लिए 4 times आई को रिपीट नहीं कर रहे हैं। ओके, इस तरह से रूल्स नंबर 2 है, ओनली आई एक्स सी एंड एम कैन बी रिपीटेड। यहाँ पर हमें यह बताया जा रहा है कि केवल आई एक्स सी और एम ही रिपीट हो सकता है। सपोज दैट यहाँ पर हम कुछ आप लोगों के लिए एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि हम 2 के लिए डबल आई या 3 के लिए ट्रिपल आई का सिंबल देते हैं। ठीक है, उसी तरह से 20 के लिए डबल एक्स, 30 के लिए ट्रिपल एक्स देते हैं। रूल्स नंबर 3 है, If one or more symbols are placed after the symbol of a greater value, the values are added। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि if one or symbol, यानी कि एक कोई symbol are placed after the symbol of a greater, यानी कि एक greater symbol के बाद आए, तो वहाँ पर value को add किया जाएगा। Suppose that यहाँ पर हमें V और I लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो V है ग्रेटर सिंबल है और आई है स्मॉल सिंबल है, तो यहाँ पर भी के लिए हमारा क्या होगा 5 और आई के लिए क्या होगा 1, तो यहाँ पर 5+1 यानी कि 6 होगा, यानी कि भी आई हमारा 6 का सिंबल है। उसी तरह से मानिए कि हम यहाँ पर एक्स और हम यहां पर दे रहे हैं एक्स डबल आई, यहां पर हम देख रहे हैं कि एक्स जो है ग्रेटर है और डबल आई स्मॉलर है, तो यहां हम देख रहे हैं कि ग्रेटर की बाय सिंबल स्मॉलर सिंबल आया। ओके, तो यहां पर हमारा एक्स का क्या होगा 10 और डबल आई क्या होगा 2 का, तो 10+2=12। ठीक है, इस तरह से थर्ड नंबर जो था, रूल्स नंबर 4 है, वी एल डी नेवर रिपीटेड। यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि वी एल और डी कभी भी रिपीट नहीं हो सकते हैं, यानी कि उसको हम दोहरा नहीं सकते हैं। सपोज दैट जैसे कि हमें अगर 10 लिखना है तो डबल वी ना लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है फोर्थ नंबर उसमें कि वी कभी भी रिपीट नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह से एल के लिए हम एल 50 होता है, बट 100 के लिए हम डबल एल नहीं लिखते हैं, यानी कि ये गलत है। कहने का मतलब ये है कि वी एल और डी कभी भी रिपीट नहीं होता है। ओके, उसके बाद 5 नंबर हमारा रूल्स है कि कोई भी नंबर अगर ग्रेटर नंबर के लेफ्ट आ रहा है तो वहां पर सबट्रैक्ट होगा। सपोज दैट यहाँ पर हमारा x और c है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि c जो है c का सिंबल 100 का सिंबल होता है और x किसी का सिंबल
सिंबल होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि C जो है ग्रेटर है और H जो है स्मॉलर है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि C राइट साइड है और H लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पर हमारा माइनस होगा। तो C का 100 है और X का 10 है, यानी कि X C इक्वल 90, ठीक है। उसी तरह से मानिए कि X L है, तो यहाँ पर हम ये भी फिर देख रहे हैं कि L 50 का सिंबल है और X जो है 10 का सिंबल है। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो ग्रेटर हमारा सिंबल है यानी कि L राइट साइड में है और 10 X जो है यानी कि 10 का सिंबल लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पर भी हम सबट्रैक करेंगे, 50 माइनस 10 इक्वल 40, ओके। तो इस तरह से हम रूल्स को अप्लाई करते हैं रोमन नंबर्स फाइंड करने के लिए। स्टूडेंट्स कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, अब आइए कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है राइट इन रोमन नंबर्स, यानी कि हिंदू अरबिक नंबर्स में दिया गया है और हमें रोमन नंबर्स में राइट करना है, ओके। तो सबसे पहले आइए हम 46 का रोमन नंबर्स राइट करते हैं। तो 46 यानी कि 40 का क्या होता है H और L, और 6 का क्या होता है V I, 6 का क्या होता है हमारा V I। तो इस तरह से 46 का हमारा रोमन नंबर्स क्या हुआ, X L एंड V I, ओके। अब आइए सेकंड नंबर 69, हिंदू अरबिक नंबर से हमारा 69 और हमें इसे रोमन नंबर्स में राइट करना है। तो सबसे पहले हम इसको 60 का क्या होता है रोमन नंबर्स L X एंड 9 का हमारा क्या होता है रोमन नंबर्स I X, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 69 का क्या हुआ L X I X 69, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन हिंदू अरबिक न्यूमरल्स, यानी कि यहाँ पर हमें रोमन न्यूमरल्स में दिया गया है और इसे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट इन हिंदू अरबिक है, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि x x x यानी कि ट्रिपल x दिया है, तो ट्रिपल x यानी कि x 10 10 10 और ये 2 प्लस 10 20 एंड 20 प्लस 10 30 एंड 30 प्लस 2 32, यानी कि हमारा हिंदू अरबिक नंबर क्या हुआ 32, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट है L X X I X, ठीक है। तो द सिंबल ऑफ L इज 50 एंड द सिंबल ऑफ X इज 10 एंड द सिंबल ऑफ X इज 10 एंड द सिंबल ऑफ I X इज 9, 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 9 79, यानी कि हमारा हिंदू अरबिक नंबर क्या हुआ 79, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया।